नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जावेद अख्तर के साथ सलाम नेशन। अभी हम तेलघानी नाका चौक पर हैं। आज भक्त माता कर्मा जयंती के अवसर पर आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में आज साहू समाज के लोग यहां पर रैली में, भव्य रैली में आ चुके हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू, केशव साहू, संदीप साहू और ऋषि साहू भी यहाँ पर हैं। और ये रैली यहाँ से सीधे भक्त माता कर्मा मंदिर प्रांगण में जाकर समापन होगा। बने रहिए आगे के अपडेट के लिए। डोनेशन का भी कार्यक्रम चल रहा है, चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। ऐसे अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश देते हैं, माता कर्मा की पूजा आराधना करके, उसे आशीर्वाद लेकर के जन कल्याण के लिए उनकी मनोकामना मांगते हैं। जी, आज संत माता कर्मा की जयंती है और उसके जयंती के अवसर पर तेलघाटा से ये भव्य रैली निकाली जा रही है और माता कर्मा के जयंती के साथ साथ आज हमारे पूरे देश वर्ष में माता कर्मा जो सबके लिए एक प्रेरणा बनी और जिस माता कर्मा के कारण पूरे पिछड़े वर्गों के लिए भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर खुला, जो एक व्यवस्था परिवर्तन की कड़ी के रूप में इसको देखा गया, आज उसी माता कर्मा के फिल्म भी रिलीज हो रही है जो पूरे भारतवर्ष के सभी थिएटरों में आज देखा जा रहा है। और पूरे पिछड़े वर्गों के लिए संत माता कर्मा जो है, जिन्होंने जो काम किया वो बहुत ही हमारे लिए अनुकरणीय है और प्रेरणादायी। जी, मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहूंगी कि जिस प्रकार से माता कर्मा ने धर्म, भक्ति और आस्था और भगवान के चरणों में मन का समर्पण करते हुए देश और समाज की सेवा की, हमें भी जातिगत भावना से ऊपर उठकर देश और समाज की सेवा करके सनातन धर्म को ऊंचा उठाने के लिए काम करना चाहिए। मैं श्री श्री 108 महामंडलेश्वर भारती डॉक्टर यामिनी देवी जी और राष्ट्रीय धर्माचार्य सनातन धर्म परिषद न्यास और भगवताचार्य देवी भक्त माता कर्मा की 1008वीं जयंती और माता झांसी से चल के 1001 वर्ष में उद्योगी बताए प्रभु जगन्नाथ जी को खड़ी खिलाने गए। हमारे परम सौभाग्य की हम माता के वंशज हैं और वो माता ने सूसी और वंचितों के लिए भी एक अच्छी लड़ाई लड़ी और समाज को आगे करने में चिंता करने समाज को आपको संदेश देना चाहते हैं। जिस तरह माता कर्मा प्रभु जगन्नाथ की सेवा करने के लिए, प्रभु जगन्नाथ जी का खंडन कराने के लिए पूरी पहुंची, उसी तरीके से पूरे प्रदेश भर में हमारे समाज के लोगों से आह्वान करूंगा कि प्रेम और सद्भाव से कर्मा जयंती अच्छे से मनाएं और एक प्रेम और सद्भाव के बीच में रखें और सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता का परिचय दें। जी, जैसे कि साहू समाज के आराध्य हमारी माता कर्मा, उनकी आज 108वीं जयंती मनाई जा रही है और ये जयंती इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि हमारे प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय श्रीमान दहल सिंह साहू जी के द्वारा एक नई शुरुआत की गई कि पूरा परिक्षेत्र, तहसील और जिला और प्रदेश एक साथ मिलकर माता की महाआरती करेंगे 11 बजे। और माता की महाआरती करके हम सब ने यह संदेश दिया है कि माता कर्मा ने जिस तरह महिलाओं को और साहू समाज को एक गौरव प्रदान किया था, जिस मंदिर में प्रवेश के लिए प्रवेश वर्जित था, वहाँ मंदिर में प्रवेश करके माता ने तेली गौरव का नाम ऊंचा किया, तेली को गौरव दिया एक और माताओं को भी एक मान सम्मान दिया। उस माता के महाआरती करके हम सब यही दिखाना चाहते हैं कि पूरा समाज एकजुट है और पूरे समाज माता बहनों का मान सम्मान करना जानता है और पूरे समाज में महिलाओं का एक मान
मान सम्मान है और हम सब एकजुट होकर माता के इस महाआरती करके, माता की जयंती करके, माता ने जिस तरह से महिलाओं को न्याय दिलाया, सबको ये प्रेरणा देना चाहते हैं, पूरे समाज को, साहू समाज सर्व समाज के हित के बारे में सोचता है।